you're watching Exposed India. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपराध अपने चरम पर पहुंच गया है। आसिहानी गेट थाना क्षेत्र के हिंडन विहार में बदमाशों ने टायर फैक्ट्री मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार को शक है कि फैक्ट्री के 3 पूर्व कर्मचारियों ने हत्या की है, क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है आपके फादर के साथ? पता नहीं, फोन आया था मेरे पास, पे आ जाओ जल्दी, ठीक है। देखा तो वहाँ पे जाके वो पापा को गाड़ी में उठ गए थे, डॉक्टर के पास आया तो मना कर दिया। गोली मारी है? गन शॉट है। कौन लोग थे? वो राजेश, नाम राजेश है, सनी और वो संजीव दुबे। आप पहले काम करते हैं? हाँ जी, मैं फैक्ट्री में काम करता था, संजीव दुबे। अच्छा, क्या हुआ था फिर, क्यों ऐसा? सर नाम बताइए, नाम क्या आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। सर, एक गोली मारी गई आपके भाई को, क्या नाम है उनका, क्या उम्र है, किन लोग शक? राजीव कुमार हैं, उनकी एज 46-47 है। क्या काम करते सर? उनकी एक RDC में टायर शॉप की और अलाइनमेंट की दुकान है, और यहाँ हिंडन विहार में उनकी क्रोम प्लेटेड की फैक्ट्री है। तो वो क्रोम प्लेट की फैक्ट्री पे बैठे थे शाम को, वहाँ से जैसे ही बाहर निकले तो एक बहुत पुराने इनके कर्मचारी, इन्होंने अपनी जॉब फैक्ट्री से निकाल दिए थे 5-6 महीने पहले। तो वो इनको थ्रेट देते रहते थे, और कि भाई हमें क्यों नौकरी से निकाला, हम धमकी देते रहते थे, मार देंगे, कर देंगे, नहीं तो हमें पैसे दो। कभी 10 लाख मांगते थे, कभी फ्लैट मांगते थे, उनके परिवार वाले सारे फ्लैट मांगते थे, कभी कुछ नहीं तो हम गोली मार देंगे, ये कर देंगे। और फिर अचानक से उन्होंने गोली मार दी।